गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट आईटीआई कॉलेज। आप जो है सेकंड ईयर का मैं क्लास ले रही हूँ, जैसे आपको पता है, ठीक है। तो सेकंड ईयर में जो है मोटर चल रहा है क्लास, तो मोटर का सारा वीडियो जो है मैंने एक पर एक करके सारा पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मल्टीक्राफ्ट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हो। और आज जो मेरा जो मैं वीडियो आपको जो दे रही हूँ, क्लास जो दे रही हूँ, वो है वन लाइनर क्वेश्चन का। अभी तक जो है एमसीक्यू मैंने बताया हर बार, ठीक है। अब आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, करीब करीब जो है कोशिश करूंगी 50 से अधिक क्वेश्चन जो है करवाने का। रीजन सिर्फ यही है कि एमसीक्यू में आपको चार चार ऑप्शन मिलते थे, उसमें से आपको एक छाट कर याद करने में दिक्कत होता था। चार ऑप्शन सेम सेम दिख रहा है तो आपको लगता था कि यही हो सकता है आंसर, ये हो सकता है। तो याद करने के लिए और थोड़ा शॉर्ट तरीका जो है, उसके लिए मैंने जो है ये तरीका अपनाया है वन लाइनर क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैं पढ़कर बता दूंगी, साथ साथ आपको बोर्ड पर आंसर भी दिख रहा है, आपके आपके जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आंसर भी। तो कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, उसकी वजह से मैं जो अगर चैप्टर पूरा आपको क्लियर है अच्छे से तो आप इजीली जो है देख पाओगे आंसर कैसे कैसे हो रहा है। मैं बताती जाऊंगी किस तरह आंसर क्यों हो रहा है ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। मोटर चल रहा है, मोटर मैंने बताया कि एमसीक्यू नहीं वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। आप आपके पास से जो है एमसीक्यू नहीं वन लाइनर क्वेश्चन दिया करूंगी, उससे होगा आपको याद करने में सुविधा। क्वेश्चन पढ़ना है साथ ही साथ आपको आंसर पढ़ना है, 100% याद होना है, ठीक है। एग्जाम में कहीं कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, डीसी मोटरों को चलाने के लिए कौन सी पावर दी जाती है, ठीक है। तो आंसर जो भी है आप पहले रीजन समझो, ठीक है। क्वेश्चन आपने देखा कि क्या बताया जा रहा है, डीसी मोटर चलाने के लिए कौन सी पावर दी जाती है। तो मैंने जब मोटर आपको बताया था तो मोटर मैंने बोला था आपको कि जैसे ही आप मोटर पढ़ोगे तो मोटर में क्या होता है, हमेशा क्या देते हैं, मोटर में हमेशा पहले इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तभी कन्वर्ट होकर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तभी वो घूमना शुरू करता है। मोटर क्या करता है, बेसिकली घूमता है ना, तो घूमेगा कब, जब स्विच देंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तभी तो वो घूमेगा। तो क्या पावर देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल पावर, क्लियर हो रहा है अच्छे से, ठीक है। आपको आंसर के साथ क्वेश्चन दो बार तीन बार पढ़ना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद आपको आंसर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो बोला जा रहा है जैसे मैंने बताया आपको, मोटर भी डिवीजन होता जाएगा। मोटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में चेंज करता है। आप ऐसे भी देखो ना कि अगर मोटर का बात हो तो क्या, मोटर को जब चालू करते तो क्या करते, पहले सप्लाई देते कि नहीं देते, सप्लाई दिए मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता है, वो मैकेनिकल पावर में चेंज करता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं। हम मैंने जो क्लास बताया आपको, जितना थ्योरी का क्लास चला है सेकंड ईयर में, सबको मैंने बोला है कि डीसी मोटर जो है कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सीरीज, दूसरा है शंट और तीसरा है कंपाउंड। सीरीज कैसा होता है, शंट कैसा होता है, कंपाउंड कैसा होता है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको और बताते जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा जगह मैंने रखा है इसको क्लियर करने के लिए। ये है आपका मोटर, मोटर है ना, इसका आर्मेचर मैं दिखा रही हूँ, आर्मेचर, ठीक है। अगर इस तरह का है, सीरीज में क्या होता है, इसका जो फील्ड वाइंडिंग है वो मोटी तार और कम टर्न का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, एल ओ ए डी, ठीक है, लोड लगा दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये आर्मेचर के साथ सीरीज में, ये सीरीज फील्ड है इसका, ठीक है। ऐसे फील्ड बोल सकते हैं इसको, ऐसे फील्ड, ठीक है, आपका सीरीज फील्ड है। ये जो है आपका मोटर कितने प्रकार का, तो पहला सीरीज टाइप हो गया है आपको, सीरीज फील्ड वाला दिख रहा है, ये सीरीज मोटर हो गया। दूसरा शंट है, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे फिगर भी थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। शंट है तो इसके पैरेलल में लगेगा, इसका कॉइल थोड़ा डिफरेंट होगा, इसमें क्या होगा, पतला तार और अधिक टर्न देकर बनाया जाता है इसका वाइंडिंग, ठीक है। तो ये मेरा हो गया शंट फील्ड, ऐसे ऐसे दिखा रहे, शंट फील्ड हो गया ये, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, दोनों का दोनों होता है, दोनों का दोनों कैसे होगा आप यहाँ पे देखो, तो ये मेरा हो गया आर्मेचर, यहाँ से निकाल दिया मैंने एक जो है ये होगा सीरीज फील्ड, ठीक है, और यहाँ से आके यहाँ पे पतला टर्न और पतला तार और ज्यादा टर्न मिलकर ये बन गया मेरा, ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा लोड यहाँ पे, ये बन गया मेरा कंपाउंड, क्या बन गया, कंपाउंड। तो आपने देखा डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, सीरीज शंट एंड कंपाउंड,
तीनों का मैंने यहाँ पर डायग्राम आपको बता दिया है कि किस तरह का डायग्राम होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर हो गया। थर्ड आप देखो, सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है। तो मैंने बताया है आपको सीरीज मोटर के बारे में। तो सीरीज मोटर क्या होता है, वो जो है उसका जो करंट है वो लोड पर डिपेंड करता है। अगर करंट जो है आपका लोड जो है ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। करंट तो आपका जो क्या बोला मैंने, लोड पर डिपेंड करता है। लोड अगर ज्यादा है तो करंट ज्यादा, लोड अगर कम है तो करंट कम, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है सिंपली कि टॉर्क जो होता है कैसा होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क में आपको दिखाया था मैंने क्या कि अगर कोई मशीन, ठीक है, कोई कंडक्टर जो है मैग्नेटिक पोल के बीच में रखा जाए, ठीक है, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो जब इसमें की करंट बह रहा हो ऐसे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो अपने ऊपर जो है दबाव महसूस करता है, टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसके कारण मोटर क्या होता है घूमना शुरू होता है। तो सीरीज में क्या होता है, हमेशा टॉर्क अधिक होगा। क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। रीजन कि इसका जो है करंट लोड पर डिपेंड करता है, इस वजह से, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड वाला। फोर्थ आपको देखो, डीसी मोटर में ये आपको दिख रहा है एक अलग सा सिंबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं पढ़ते हैं क्या, इफिशियंसी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी बराबर पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में दक्षता, जिसको बोलते हैं हिंदी में डीसी मोटर में दक्षता बराबर क्या होता है, ठीक है, दक्षता बराबर क्या होता है। तो दक्षता बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज आपको दिख रहा है। तो जब भी कोई पूछेगा दक्षता परसेंटेज मतलब एफिशिएंसी परसेंटेज में, तो आप बोलेंगे आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। क्या बोलेंगे, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो आपका ये क्या फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन है एनबीसी का पूरा नाम क्या है, एनबीसी का पूरा नाम क्या है। तो आपको जो है एनबीसी का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स के सेशन में आपको देना है। ऐसे मैं बता रही हूँ, जो कोई भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सब जो जिनको आता हो और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी इनका नाम यहाँ पे कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। एनबीसी का पूरा जो है नाम क्या है, नो गोल्ड कॉइल। क्या है, नो गोल्ड कॉइल। क्लियर है, एनबीसी का पूरा नाम एंड नो गोल्ड कॉइल। कहाँ होता है ये वाला यूज, तो स्टार्टर होता है ना जो मोटर को चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना सेफ्टी, उसमें हम लोग एनबीसी देखते हैं। और बहुत ही बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि एनबीसी का फुल फॉर्म क्या है या एनबीसी क्या है, ठीक है। एक वैसे ही हो गया ओएलसी, ओवरलोड आपका जो है कॉइल, ओवरलोड कॉइल, ठीक है। काम क्या है वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन मिले हैं। आगे मैं कोशिश करूंगी और क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के लिए, और इजी होगा आपका, इजी होगा आपके लिए कि आप जो है सारे क्वेश्चन को एक एक बार पढ़े और एक एक लाइन में आंसर जो है उसको याद कर ले। एमसीक्यू से ये हल्का होता है। तो आशा करती हूँ आज का जो मेरा सेशन है वो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो ढेर सारा लाइक देकर मेरा मनोबल बढ़ाए और कोशिश करें।